रेसिपी लेके आए हैं, ब्रेड मिठाई की रेसिपी, जिसे आप बहुत आसान तरीके से झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। हम देखिए आधा केजी के लगभग दूध ले लिए हैं, इसको अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं, इसमें एक उबाल आने देते हैं। दूध में हल्का उबाल आने लगा है, अब इधर हम एक कटोरी में एक चम्मच एक कप के लगभग इधर हम एक कप दूध ले लिए हैं, छोटा कप से एक कप दूध है। कॉर्नफ्लोर दूध को गाढ़ा कर देता है जल्दी से, इसीलिए हम आधा चम्मच के लगभग दूध में मिला के कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देते हैं। एक अच्छा कलर आ जाए इसके लिए फूड कलर एक कुटकी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। स्वाद के अनुसार चीनी डाल दीजिए, जितना आप मीठा कम पीना चाहते हैं उस अनुसार से चीनी डाल दीजिए। हम 4 चम्मच के लगभग चीनी डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिला के 5 मिनट तक हम इसे उबाल लेते हैं ताकि एक अच्छा गाढ़ा हो जाए दूध। इसमें 2-4 कली हम केसर का डाल देते हैं, ऑप्शनल है केसर, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, ड्राई फ्रूट में हम पिस्ता लिए हैं, काजू, इसे अच्छी तरह से 2 मिनट इसे और पकाएंगे। अच्छा गाढ़ा हो गया है दूध, ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि इसे हम फ्रिज में रख के 4-5 घंटे के लिए ठंडा करेंगे और फ्रिज में डालने से थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे 3-4 घंटा के लिए ठंडा होने देते हैं। तब तक इधर हम ब्रेड तैयार कर लेते हैं, ब्रेड लिए हैं, इसका साइड साइड जो ब्राउन है उसको हम इस तरह से कट करके निकाल देते हैं। इस तरह से हम चारों तरफ से इसका निकाल लेते हैं और इस तरह से ट्रायंगल में इसको हम कट कर लेते हैं और साइड में रख देते हैं। हम दूसरा पीस ब्रेड ले लेते हैं, इसी तरह से हम जितना पीस बनाना चाहते हैं उस तरह से ब्रेड का कट करके हम साइड में रख लेते हैं। देखिए इस तरह से हम बाकी जो ब्रेड है उसका बना के देखते हैं, सारे पीस को तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और इसमें भरने के लिए हम स्टफिंग ले आते हैं, इसमें हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। कुछ हम ड्राई फ्रूट डाले हैं, ड्राई फ्रूट में हम काजू लिए हैं, बादाम, किशमिश और थोड़ा सा हम टूटी फूटी डाले हैं, 1 चम्मच के लगभग टूटी फूटी, 1 चम्मच के लगभग नारियल बुरा था, जितना आप मीठा चाहते हैं उस तरह से चीनी थोड़ा सा डाल दीजिए, हम 1 चम्मच के लगभग डाले हैं और घर का क्रीम है दूध के ऊपर जो छाली जम जाता है उसी का हम क्रीम इसमें हम डाल देते हैं, आप चाहें तो बाजार का भी क्रीम डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ब्रेड में डाल के इसमें जो हम तैयार किए थे हम इसमें डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि छोटा टुकड़ा है बाहर से निकल जाएगा। ये देखिए चारों तरफ से हम इस तरह से पानी लगा लिए हैं और दूसरा ब्रेड जो लिए हैं उसके ऊपर भी हम पानी लगा लिए हैं और इसको इसी तरह से ऊपर से रख के और चारों साइड से अच्छी तरह से दबा देते हैं। ये देखिए इस तरह से पीस भी हम इसी तरह से ले लेते हैं और इसके बीच में स्टफिंग रख देते हैं और चारों तरफ से इस तरह से पानी लगा देते हैं। दूसरा पीस प्लेट पे भी इस तरह से पानी लगा देते हैं चारों तरफ और इसके इस तरह से रख के और अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से इस तरह से हम पानी पीस को सजा लिए हैं। सारे पीस को एक बॉल में डाल लिए हैं और ये हम बना के रखे थे दूध का, इसको हम इसमें डाल देते हैं। सारे तरफ से अच्छी तरह से दे देते हैं ताकि अच्छी तरह से भींग जाए। ब्रेड ढक चुका है, अब इसको थोड़ा सा हम 1-2 दाने हम केसर का डाल देते हैं ऐसे ही सजाने के लिए। ये देखिए झटपट हमारा ब्रेड मिठाई बिल्कुल रेडी है, आप इसे जब चाहे घर पे बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें, अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।